Subscribe, please. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पीसी में पिक का बैकग्राउंड चेंज करने हैं। तो सबसे पहले आपने इसे ओपन कर लेना है पीसी को, ठीक है? तो सेव को तो फिर आपने पिक को ऐड कर लेना है, ठीक है? पिक को ऐड करने के बाद जो पिक आपने एडिट करवानी है वो पिक आपने ऐड कर लेना है, ठीक है? तो हमने ये वाला पिक ऐड कर लेना है, ठीक है? चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपने इस टूल्स पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? इस टूल्स पे तीसरे नंबर पर आपने तीसरा वाला टूल इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है? तीसरा ये वाला ब्रश आपने इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है? और आपने साइज ये वाला रखना है, तो ये आपको ही सिलेक्ट कर लेता है, आपको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ बस इस तरह का सिलेक्शन कर लेना है, बस ये आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने में पिक का रिजल्ट भी ख़राब नहीं करती थी। इसका साइज आपने कम कर लेना है, आराम आराम से अपनी सिलेक्शन करवानी है। वीडियो पूरा देखने के लिए ये भी स्किप ना करें, अगर आप स्किप किया तो कुछ समझ आपको नहीं लगेगी। तो हमने सिलेक्शन करवा दी, ठीक है? तो अपनी इस टूल पे क्लिक कर लेना, ठीक है? तो अपनी इनवेरस पे क्लिक कर लेना है, फिर ये ब्रश वाले इस्तेमाल कर लें, ठीक है? जहाँ जहाँ पे रह गया वो आपको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमने बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, ठीक है? बैकग्राउंड हमने ऐड कर लेना है। तो हमने इसका बैकग्राउंड लेयर पर आपने क्लिक कर लेना, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है? तो हमने बैकग्राउंड फोटो लेबेट्री में क्लिक कर लेना है, ठीक है? तो बैकग्राउंड हमने ऐड कर लेना है, बैकग्राउंड आपको बैकग्राउंड कर लेना है, ठीक है? जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे तो वही बैकग्राउंड आपने लगा लेना, ठीक है? तो हम ये वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला बैकग्राउंड। फिर आपने इसको बैकग्राउंड के नीचे कर लेना, ठीक है? ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, हमने अब बैकग्राउंड पर ब्लर लगा लेना है, ठीक है? तो ब्लर लगा लेना है, बस इतना, ठीक है? तो हमने ओके कर लेना है, ठीक है? पर डन पर क्लिक कर लेना, सेव पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? फिर इसको सेव करने के बाद आपने शेयर पर क्लिक करना होगा, गैलरी सेव, तो अपने पिक पे ओके कर लेना है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है? तो अभी हमने इसको लाइट रूम में ऐड कर लेना है, कोई प्रीसेट लगा लेते हैं, फिर इसका फेस स्मूथ कर लेते हैं। इसको हमने लाइट रूम में ऐड कर लेना है, लाइट रूम में ऐड हो गया। तो चलिए चलते हैं, हम लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं, लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं, तो प्रीसेट लगा लेते हैं, ठीक है? तो हमारा पिक ऐड हो गया, तो हमने उस पर क्लिक कर लेना है, वो पिक जो हमने एडिट करवाना है। हमने इसको प्रूफ पर क्लिक कर लेना है, हमने इसको सीधा कर लेना है, ठीक है? प्रीसेट लगा लेते हैं, जो इस पर अच्छे लगे वही प्रीसेट अपने लगाने में, ठीक है? तो मैं जल्दी जल्दी से प्रीसेट लगा लेता हूँ, कोई अच्छी सा प्रीसेट।
तो हमने ये वाला प्रीसेट लगा लेना, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर लेना है ऑटोडेस्क स्केचबुक में, इसका फेस स्मूथ हमने कर लेना है, ठीक है। तो ये हम फिल कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ऑटोडेस्क सेटिंग का पता नहीं है, तो अपने ब्रश का सेटिंग यही रख लेना, ठीक है। नीचे वाला 20, ऊपर वाला 9, ठीक है। तो आपने दाढ़ी का सेटिंग यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। सिलेक्शन पे, सिलेक्शन पे करके ना आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह का जिस तरह का कटिंग आपने करवानी है उस तरह की कर लेना, ठीक है। तो ये कटिंग हो गया, तो हमें इसको फिर स्मूथ जल्दी जल्दी कर लेना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, इसको स्मूथ करके। तो इसका फेस स्मूथ हो गया, आप देख लो किस तरह का एपिक